जीडी की एग्जाम में लगभग लगभग आपके पास एक महीने का समय है, और ये एक महीना ना आपसे कोई छीन नहीं सकता। कोई इंसान अगर चाह भी देना फिर भी आपसे ये एक महीना कोई छीन नहीं सकता। और ये एक महीना में ना अगर सही तरीके से काम कर दे बाबू, तो आपका जिंदगी ऐसे से ऐसे पलट जाएगा, और आपका नहीं पूरे परिवार का जिंदगी पलट जाएगा बाबू। भीड़ तो बहुत सारा है, मेला लगा हुआ है, लेकिन मेला में जो सही तरीके से काम कर दिया जिंदगी बन जाएगा बाबू। अब एक बात सुनना, दो बात वीडियो बताऊंगा, ये दो बात पे काम कर दिए ना वर्दी चढ़ जाएगा शरीर पर यार। बात सुनना दूंगा, रीजनिंग में लगभग लगभग बहुत लोग को टेंशन नहीं है, जीके जीएस भी मोटा मोटी सब कर लेगा, बहुत लोग कर लेंगे। टेंशन कहां पर है? मैथ में। मैथ को भैया गणित को कैसे करें? पिछले 4-5 साल का पेपर छोड़ देंगे ना, पेपर आसान था, लेकिन 21 वाला पेपर देखोगे ना बाबू तो पेपर अच्छे लेवल का था। मैं पूरा पेपर 21 वाला मैथ का ना पूरा पेपर प्रिंट करवा कर रखा हूं, और लगभग लगभग बहुत सारे शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर दिए, बहुत सारे शिफ्ट का पेपर। और आपको कल शाम को 6 बजे से पूरा मैथ प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन एक बात सुनना, जो बताने आया हूं आपको, दो बात अभी कुछ बताई नहीं है, सुनना दो बार। आपको आने वाले एक महीना में ही काम करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है, पुराना नहीं, सिर्फ 21 वाला, सिर्फ 21 वाला पेपर सॉल्व करना है। 63 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना, आप 63 शिफ्ट पेपर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप 33 शिफ्ट का पेपर करना, लेकिन पूरा करना। क्या करना? पूरा करना। अब मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब पढ़ा लिखा है, अनपढ़ फॉर्म फिलअप नहीं किया है, सब जागरूक है, सब देख रहा है, सब फोन चला रहा है। अब सुनना मेरा बात, यही पर ना मेन गेम स्टार्ट होता है, यही चीज को समझना है। अगर समझ गए तोड़ दोगे एग्जाम, नहीं समझ गए भीड़ के चक्कर में पड़ गए, भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे, फिर रोते रह जाओगे, कोई कंधा नहीं देगा रोने के लिए। तो यही पर आपको एक चीज समझना है, पढ़े लिखे हो, जागरूक हो। देखो दो चीज बताऊंगा, पहला चीज बताए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, लेकिन उसमें भी एक चीज छुपा हुआ है। वो चीज क्या है, बहुत सारे टीचर लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप करो बहुत बढ़िया है करो, लेकिन आप एक बात और करना। मान लो ना कोई आपको 16 नवंबर 21 का पेपर करवा रहा है जीडी का, ठीक है, आपको पेपर करवाया, आप कर रहे हो, देखने में अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है उस क्लास के बाद, उसके बाद आपको करना है गूगल पर सर्च मारना है 16 नवंबर जीडी पेपर मैथ का, या पेपर खोलोगे तो मैथ का दिख जाएगा। अब देखना जो सर पढ़ाए हैं 16 नवंबर को, वो मैथ का पूरा पेपर तो करवाए है ना। होता क्या है बाबू, जो आपको अच्छा लगता है, जो पसंद है, वही चीज आपको आजकल क्या है, आज का जमाना क्या चल रहा है, जो चीज अच्छा लगेगा वही चीज देखने को मिलेगा। वरना बाबू अगर आपको मान लो हार्ड चीज दिखाए या ऐसा सवाल दिखाए जो आपको समझ में नहीं आएगा, टीचर को पता है कि बच्चों भाग जाएंगे नहीं देखेंगे, तो वो चीज आपको कोई नहीं करवाएगा। तो होता क्या है ना, जो चीज आपको देखने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, वही चीज देखने को मिलता है। तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा है, आप देखो करो, लेकिन आप पूरा पेपर डाउनलोड करके देखो, सर जो पढ़ाए हैं कुछ क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिए ना, तो आपको वो पूरा पेपर करना है। मैंने बोला ना पूरा शिफ्ट का पेपर नहीं कर सकते, तो कम से कम 30 शिफ्ट का पेपर करना, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन मत छोड़ना बाबू आप एक भी शिफ्ट का, ठीक है। तो कम से कम आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है, और पूरा शिफ्ट का नहीं तो 30 शिफ्ट का पेपर करना है, और हर शिफ्ट का हर सवाल करना है। ये पहला काम, ये नहीं कि आसान आसान कर कर गए, सर तो पढ़ा दिए मैं जो समझ में आ रहा था, तो फिर हिस्सा भीड़ का बनकर रह जाएंगे बाबू, फिर लंबा इंतजार 1 साल का हो जाएगा, फिर पता नहीं उम्र रहेगा कि नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना बाबू, भीड़ का हिस्सा बनोगे, भीड़ का हिस्सा रंग बजाएंगे। तो प्रीवियस ईयर करो, कहीं से भी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस क्लास के बाद आप पेपर खोलकर देखना, पूरा सवाल करवाया तो गया है ना, सिर्फ वो सवाल तो नहीं करवाया गया जो देखने में समझने में अच्छा लग रहा है। ये चीज आप करना, पढ़े लिखे हो बाबू, रिजल्ट निकालना है। तो दूसरा बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, गिना चुना ना 6-7 चैप्टर है, इसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा समझ लेना। जैसे मान लो परसेंटेज हुआ, एससीएफ एलसीएम हुआ, टाइम एंड वर्क, कार्य समय, लाभ हानि, ठीक है,
ये गिना चुना चैप्टर ना सरलीकरण, ये गिना चुना जो चैप्टर है 6 से 7 चैप्टर, इसका बेसिक कंसेप्ट से थोड़ा अच्छा अच्छा सवाल कर लेना। और आपको मैथ में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं करना, बस ये 2 चीज पर काम कर दोगे ना मैथ में आपको रोना नहीं पड़ेगा।